जय हिंद स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज कर्व्स। सो डेफिनेशन ऑफ कर्व इज एनी ड्राइंग ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ अ रूलर इज कॉल्ड अ कर्व मीनिंग इज एनी ड्राइंग कोई भी ड्राइंग जो हम ड्रॉ करते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल पेंसिल को बिना उठाए फ्रॉम द पेपर पेपर से बिना उठाए जो भी हम ड्राइंग ड्रा करते हैं एंड विदाउट यूज ऑफ अ रूलर एंड रूलर के यूज के बिना जो भी हम ड्रॉ करते हैं पेपर पर इज कॉल्ड अ कर्व, उसे हम कर्व कहते हैं मीन्स कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम रूलर स्केल का यूज नहीं करते इन एवरीडे यूज मीन्स नॉट स्ट्रेट मोस्टली हम करव का जो यूज है वो इसलिए यूज करते हैं कि जो चीज स्ट्रेट ना हो बट इन मैथेमेटिक्स अ करव कैन बी अ स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन भी करव हो सकती है मीन्स अगर मैंने बिना रूलर के एक लाइन ड्रॉ कर दी तो दिस इज ऑल्सो अ करव नाउ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कर बिकॉज दीज आर ड्रॉन

आपस में क्रॉस नहीं करती सो दिस इज अ सिंपल कर दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर एंड दिस वन इज ऑल्सो अ सिंपल कर एंड इफ वी ड्रॉ अ फिगर लाइक दिस सो दिस इज नॉट अ सिंपल कर बिकॉज दीज आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड दे आर क्रॉसिंग ईच अदर नाउ क्लोज फिगर अ फिगर विच बिगन्स

मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होते हैं मीन्स मैंने यहाँ से अगर इस फिगर को ड्रॉ करना स्टार्ट किया और लास्ट में मैं यहीं पर आके स्टॉप करती हूँ तो दिस इज द एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम सो दिस फिगर इज कॉल्ड अ क्लोज फिगर दिस इज ऑल्सो ए क्लोज फिगर बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग ऑल्सो हेयर सो दिस इज क्लोज फिगर नाउ ओपन फिगर a figure which does not end at the starting point is called an open figure in this example i am starting from here and ending here so starting point and ending point are the different so this is a open figure and in this figure i am starting from here and ending in the

ट्रायंगल में हम थ्री साइड यूज करते हैं थ्री लाइन सेगमेंट्स यूज करते हैं जिसके थ्रू एक पॉलीगन ट्रायंगल को भी हमें पॉलीगन कहते हैं क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स फिगर है सो दिस इज आल्सो अ पॉलीगन पेंटागन फाइव साइडेड फिगर सो पेंटागन इज आल्सो अ पॉलीगन हेक्सागन सिक्स साइडेड फिगर सो इट्स आल्सो अ पॉलीगन हेप्टागन सेवन साइडेड फिगर एंड ऑक्टागन एट साइडेड फिगर सो Octagon is also a polygon. So, with the help of this video, you can solve your exercise 4.2. Thank you. All the best.